जय का तो SSC भर्ती 2018 जी सा तो SSC भर्ती 2018 का DME 24 अगस्त से चालू हो गया है। तो सा तो 24 अगस्त के DME में कितने स्टूडेंट उपस्थित थे और कितने स्टूडेंट को साथ वो पास किया गया, कौन सी गलती आपको नहीं करना, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लीज़ साथ ये वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना SSC भर्ती की पल पल अपडेट पाने के लिए। सातों बात ऐसी कि आपके DME चालू हो गए हैं 24 अगस्त से, तो 24 अगस्त के DME में साथियों 30 स्टूडेंट में से सिर्फ 13 स्टूडेंट ही मतलब कि पास हो पाए हैं। तो जो मेरे पास डाटा कलेक्ट हुआ था तो उसी के हिसाब से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो 30 स्टूडेंट सा तो उपस्थित हुए थे, 30 में से 13 ही स्टूडेंट को पास किया गया था। कुछ छात्र और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कोरोना वायरस की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए थे, और साथ जितने भी उपस्थित हुए थे उसमें कुछ छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाए हुए कारण उनको बाहर कर दिया गया है। तो मेरी उम्मीद साथ हुआ कि आप लोग मास्क लगा के जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहेंगे जिससे आपको वहाँ पे भर्ती बोर्ड में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। तो मास्क वगैरह सैनिटाइज़र लेके जा अपने साथ जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखना है। तो अगला था तो आपको बहुत जल्द एनालिसिस करके बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना SSC भर्ती की पल पल अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।